तंबाकू और उसका सेवन करने वाले लोग बदनाम हैं, लेकिन उसे बेचने की अनुमति देने वाली सरकारें और विज्ञापनों के जरिए बाजार तक लाने वाले लोग अमीर, इज्जतदार और ताकतवर जीवन जी रहे हैं। तंबाकू को सिगरेट में बदलने की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा खतरनाक दुनिया में अब तक कुछ नहीं बना। सिगरेट के जरिए तंबाकू का धुआं गले में नहीं लगता और लोग इसे फेफड़े तक खींचते हैं। कंपनियों में लाइट, फिल्टर्ड और सुगंधित सिगरेट बनाने की होड़ लग गई है, यानी सिगरेट जितनी लाइट है उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से फेफड़ों को तबाह करती है। सही मायनों में सिगरेट भ्रष्टाचार की उपज है, जिसमें वैज्ञानिक और विज्ञापन बराबर के दोषी हैं। मशीनी युग से पहले एक व्यक्ति दिन भर में 200 सिगरेट बना पाता था, आज एक मशीन एक मिनट में 20,000 सिगरेट बनाती है। इसमें साइनाइड, रेडियो एक्टिव आइसोटोप और अमोनिया जैसे करीब 600 किस्म के जहरीले पदार्थ मिलाए जाते हैं। सरकारें ऐसे जहर को बनाने बेचने का लाइसेंस देकर सबसे बड़ी दोषी हैं। सरकारों ने सिगरेट को महामारी में बदल दिया है, साथ ही सिगरेट में रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं। हर साल 80 लाख लोग सिगरेट पीकर मर रहे हैं। सिगरेट की वजह से मरने वाले हर शख्स से कंपनियों को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। तंबाकू की खेती से लेकर सिगरेट बनाने की प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है। इसकी खेती में इस्तेमाल हो रहे पेस्टिसाइड से धरती तबाह हो रही है। धरती पर जीवन बचाने के लिए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। 6 लाख करोड़ सिगरेट सालाना फूंकी जा रही है। इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये धरती से सूरज तक जाकर वापस आ जाएंगी। फिर भी इतनी बची होंगी कि कई बार मंगल ग्रह जाकर आ जाएं। प्रति सेकेंड 15 किलोमीटर जितनी लंबी सिगरेट फूंकी जा रही है। हर साल सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग पर 60 करोड़ पेड़ कट रहे हैं। भारत में 1962 से लेकर 2002 के बीच तंबाकू की खेती ने 1,700 हेक्टेयर जंगल को निगल लिया। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ मार्क 18।